तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सीड, तो हेडिंग डाल दीजिए सीड, सीड। अच्छा, मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है वो सीड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए मैच्योर ओव्यूल को क्या बोला जाता है, सीड बोला जाता है। अब जो आपका ओव्यूल का क्या चीज, जो ओव्यूल का आउटर इंट्यूगमेंट होता है, आउटर इंट्यूगमेंट कह लीजिए या आउटर कवरिंग कह लीजिए इसी को, ये आपका उसका इसका सीड कोट बनाता है। क्या बनाता है, ये सीड कोट बनाता है। ठीक, अभी डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे इसको। ओव्यूल आउटर इंट्यूगमेंट या कवरिंग क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोल सकते हैं, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक, तो मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड द सीड, ओव्यूल आउटर इंट्यूगमेंट कवरिंग क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है। ठीक है, अब देखिए जरा हम इसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से। चलिए हम सीड और फ्रूट एक साथ लेकर के चल रहे हैं, सीड एंड फ्रूट, तब ज़्यादा समझ में आएगा, सीड एंड फ्रूट कर लीजिए। अब देखिए सीड और फ्रूट की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या था, ये ओवरी है, ये देखिए ओवरी, ओवरी के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ओव्यूल। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्टिग्मा और स्टाइल तो एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, ये ख़त्म हो गए, लेकिन किसी किसी में ये बने रहते हैं जो कि आपने दिया नहीं है। जैसे आपने खाया होगा अमरूद, अमरूद के जहाँ से लगा होता है डंठल, उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड पर देखिएगा ब्लैक कलर का पोर्शन, ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये अमरूद है, यहाँ से ये प्लेट से लगा हुआ था, तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर का एक पोर्शन लगा होता है ना, वो आपका स्टिग्मा और स्टाइल का रिड्यूस्ड पोर्शन होता है, जो कि आके इसी से चिपका होता है। ठीक है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट में ये ख़त्म हो जाता है। अब देखिए ये आपके जो ओवरी है, क्या चीज़, जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मैच्योर ओवरी या राइपेंड ओवरी, क्या चीज़, मैच्योर ओवरी, और इसी को बोलते हैं राइप, पका हुआ, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। और ये आपका जो अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। तो इस तरीके से हम, जिस तरीके से मैच्योर ओवरी को या राइपेंड ओवरी को हम फ्रूट बोल रहे हैं, उसी तरीके से मैच्योर ओव्यूल को या राइपेंड ओव्यूल को हम लोग सीड बोलेंगे। तो मैच्योर ओव्यूल या राइपेंड ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सीड बोलेंगे। अब ये देखिए ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया और अंदर जो है ये सीड में कन्वर्ट हो गया, तभी तो फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है। अगर भाई इस तरीके से होता, ओव्यूल के अंदर जो है ओवरी होता, तब तो सीड के अंदर फ्रूट होता, समझ रहे मेरी बात। इसीलिए फ्रूट के अंदर सीड होता है क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी फ्रूट में चेंज होती है और ओव्यूल सीड में चेंज होता है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, इसीलिए फ्रूट के अंदर सीड होता है, ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में चेंज होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए जो आपके सीड में ये चीज़ है, यहाँ पर सीड में जो ओव्यूल का ऊपर का कवरिंग है, क्या है ये ऊपर का कवरिंग है, ये आपके, ये तो सीड बन गया, ये अंदर वाला पोर्शन, ये तो पूरा सीड बना लिया, लेकिन ये जो बाहर की कवरिंग होती है इसके ऊपर चिपक जाती है ऐसे, और यही क्या बना लेती है, सीड की कवरिंग, क्या बना लेती है, ये सीड की कवरिंग बना लेती है। ठीक, तो ये सीड कवरिंग, इसी को हम लोग सीड कोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीड कोट, और इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। एक्चुअली पेरिस्पर्म कहना यहाँ पर थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि फ्रूट के, क्या चीज़, क्योंकि फ्रूट के जो होते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, क्या बोलते हैं, सॉरी पेरिस्पर्म में पेरिकार्प, क्या बोलते हैं इसको,
पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिस्पर्म क्या था? परसिस्टेंट न्यूसेलस था, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प एक्चुअली इसलिए बोलना गलत होगा क्योंकि ये एपिकार्प, ये मीजोकार्प और ये एंडोकार्प तीनों को मिला करके पेरिकार्प बोलते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी डायरेक्ट दे दी है कि इसी सीड कोट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प में जबकि एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों आते हैं। तो जो हम एक छोटा सा सीड देखते हैं ना, जैसे लगता है कि पूरा ड्राई कंडीशन में है, ये छोटा सा एक सीड है, ये लगता है पूरा ड्राई कंडीशन में होता है, लेकिन इसके पास 10-15% मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर होता है अपने बॉडी वेट के बराबर। किसके बराबर? अपने बॉडी वेट के बराबर जो होता है 10-15% मॉइस्चर होता है। और ये सीड जो होता है इसके पास अगर एंडोस्पर्म छूटा हुआ तो हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड बोलते थे, अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं, अगर सीड में एंडोस्पर्म छूटा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड। और अगर इसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से ख़त्म हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक, या इसी को बोल दीजिए नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, तो एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। फिर से अपना भाई पुराना एग्जांपल, एल्बुमिनस सीड में जो होते हैं आपके कैस्टर आएगा, कोकोनट आएगा, ठीक। आपके नॉन एल्बुमिनस में पी आएंगे, ग्राउंड नट आएगा, और क्या आएगा? ग्राम आएगा, डाइकाट वाले प्लांट आएंगे, और इसमें और क्या आएगा? ऑर्किड आएगा। तो ये आपके एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस हो गए। अब देखिए, जो ये सीड होता है इसके भी जर्मिनेशन का एक टाइम होता है। ये देखिए हमारा सीड है, सीड है, जब तक इसको प्रॉपर लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगा तब तक ये आपका जर्मिनेट नहीं हो सकता, तब तक ये सीड आपका जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से सीड के बनने से ले करके जब तक ये जर्मिनेट नहीं होता है, इस पूरे पीरियड को, इस पूरे टाइम को जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड, डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं सीड की वायबिलिटी। क्या बोलते हैं? सीड की कितनी क्षमता है कि वो कितने दिन तक सुप्ता अवस्था, यानी कि डॉर्मेंसी, यानी कि ऐसे सोए रहेगा, फिर जागेगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका स्प्राउटिंग होने लगेगा, उसमें वो जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, तो ये सीड की वायबिलिटी होती है और ये पूरा पीरियड क्या कहलाता है? डॉर्मेंसी पीरियड कहलाता है। और इस डॉर्मेंसी को कंट्रोल कौन करता है? डॉर्मेंसी को कंट्रोल लाइट करता है, टेम्परेचर नहीं। तो भाई ये पर्टिकुलर इस पर लाइट टेम्परेचर अगर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो जर्मिनेट कर जाएगा ना। तो और ये तो करता ही करता है, लेकिन डॉर्मेंसी में एक हेडिंग हम यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाएंगे कि डॉर्मेंसी को कंट्रोल एब्सेसिक एसिड भी करता है। एक प्लांट हार्मोन है, जब हम आपको प्लांट हार्मोन पढ़ाएंगे, एब्सेसिक एसिड, ABA जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एब्सेसिक एसिड कंट्रोल करता है डॉर्मेंसी पीरियड को। अच्छा, ये डॉर्मेंसी पीरियड हमारे लिए अच्छा भी होता है। कैसे अच्छा होता है? सपोज कीजिए सीड हम खेत से लाए, क्या सीड हम खेत से लाए और डॉर्मेंसी पीरियड बहुत कम है, यानी कि तुरंत जर्मिनेट हो गया, तो हम गेहूँ खाएंगे कैसे? गेहूँ हमको खाने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। गेहूँ खाने के लिए हम लोग तरस जाएंगे, मर जाएंगे। कोई भी सीड जिसका डॉर्मेंसी पीरियड बहुत कम है, सोचिए हमने गेहूँ को खेत से कल्टीवेट करके लाया, घर में रखते ही क्या हो गया? वो तुरंत जर्मिनेट हो गया। तो क्या हम उसको पिसा के खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो उसका डॉर्मेंसी पीरियड लगभग क्या होता है? 6 महीना बाद 7 महीना बाद होता है। वो 7 महीना बाद जर्मिनेट करता है, जब तक ठंडी आ जाती है, तब जा करके हम उसको खेत में क्या करते हैं? उसका फिर से कल्टीवेशन करते हैं। तब तक उस टाइम पीरियड में हम गेहूं तो खा सकते हैं ना। तो सबका ये डॉर्मेंसी पीरियड अलग अलग होता है। क्या चीज़ हमने बोला?
हर प्लांट का डॉर्मेंसी पीरियड अलग अलग होता है, हर प्लांट के सीड का डॉर्मेंसी पीरियड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये डॉर्मेंसी पीरियड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अब तक ल्यूपिन में देखा गया, किस में देखा गया है, ल्यूपिन में 10,000 ईयर्स। सोचिए 10,000 साल पुराना, यानी कि इसका सीड जो है 10,000 साल बाद जर्मिनेट करेगा। जिस तरीके से हमारा गेहूँ 6 महीने बाद या 7 महीने बाद ही जर्मिनेट कर जाता है, ये ल्यूपिन का 10,000 ईयर्स तक देखा गया है जर्मिनेट। ये फॉसिल्स के फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ था, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है ल्यूपिन का। अभी रिसेंट आपको एक आंकड़ा बताएं, एक रिसेंट आपकी हिस्ट्री बताएं, डेट पाम का पता चला है कार्बन डेटिंग से कि इसका 2000 ईयर्स होता है डेट पाम, जो कि ये रिसर्च किया गया है कहाँ से, किंग हेरोल्ड, इनका महल था किंग हेरोल्ड का, किस के पास, डेड सी के पास, ठीक है, डेड सी के पास इनका महल था किंग हेरोल्ड का, और वहाँ पर डेट पाम का सीड खोजा गया है, और इसका देखा गया कि डॉर्मेंसी पीरियड जो है आपका 2000 ईयर है, ठीक। ये दोनों, ये रिसेंट आंकड़ा है, अभी जल्दी खोजा गया है, और ये ओल्ड आंकड़ा, ठीक है, ल्यूपिन का। तो ल्यूपिन और डेट पाम ये याद रखिएगा सीड में। अब देखिए, अब अगर हम जरा सा फ्रूट के बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं, जरा सा फ्रूट के बारे में बताएं, तो पहले ही फ्रूट के बारे में हमने बता दिया कि राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट, ठीक। और फ्रूट में जो होता है आपके एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प पाए जाते हैं, और फ्रूट की अगर हम बात करें तो ये आपका फ्रूट जो होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है आपका ट्रू फ्रूट, कौन सा फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट, और दूसरा जो होता है ये फॉल्स फ्रूट होता है। क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। अच्छा, ट्रू फ्रूट, ट्रू तो कहेंगे ट्रू फ्रूट ट्रू, फॉल्स फ्रूट फॉल्स, ये क्या बात हुई। ट्रू फ्रूट जो होता है ये इसके बनने में, इस फ्रूट, इस तरीके के फ्रूट के बनने में ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसका योगदान होता है खाली और खाली, ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरी, खाली और खाली 100% ओवरी से ही बनते हैं ये वाले फ्रूट, इसीलिए इनको ट्रू फ्रूट बोला जाता है। इसका मतलब ये ओवरी से नहीं बनता है, ओवरी के अलावा और भी कोई चीज़ इसमें सपोर्ट करता होगा तब जाके फ्रूट बनता है। तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसके बनने में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अदर पार्ट्स भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, ये ओवरी है, क्या है, ये ओवरी है मार्कर, ठीक है। अगर ये पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो गया तो ये ट्रू फ्रूट कहलाएगा, ठीक। अगर ये मान लीजिए ये ओवरी है, ये फ्रूट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे है, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ लगाना पड़ रहा है ओवरी के अलावा, ये ओवरी के अलावा फ्लोरल का कोई और पार्ट है, इसमें ऐसे इसको लगाना पड़ रहा है तब जाकर के ये फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको बोल देंगे फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट ट्रू फ्रूट ही होते हैं, लेकिन फॉल्स फ्रूट का बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल, कौन है, एप्पल। अब कहेंगे सर एप्पल में जो होता है तो ओवरी के अलावा और कौन सा पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट होता है, तो इसमें हम आपको बताएं ओवरी का भी कंट्रीब्यूशन होता है और थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है। थैलेमस जिस पर फ्लावर रखा होता है, यानी कि ओवरी तो फ्रूट बनाती ही बनाती है, थैलेमस भी उसमें अंदर की तरफ धंस जाता है और दोनों मिल करके फ्रूट बनाते हैं, यानी कि ओवरी के अलावा थैलेमस भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। और अगर हम फॉल्स फ्रूट की बात करें, पियर, नाशपाती, इसमें भी थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है। और कैस्यू नट, ठीक है, ये भी फॉल्स फ्रूट का क्या है, एग्जांपल है। तो एप्पल हो गया, पियर हो गया, कैस्यू नट हो गए, ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। और ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंगो है, लीची है,
लीची है, और क्या है इसमें आप गुआवा भी लिख सकते हो, ठीक। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह बताएं कि अगर आपसे पूछे जाएगा लीची का एडिबल पार्ट क्या होता है, लीची का कौन सा पोर्शन खाया जाता है, तो लीची का जो आप पोर्शन खाते हो ना उसको यूनिक नाम दिया जाता है जिसको नाम होता है एरिल। क्या नाम होता है? एरिल। तो लीची का एरिल पार्ट खाया जाता है और एप्पल का थैलेमस वाला पार्ट खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू फ्रूट ये फॉल्स फ्रूट। तो ये था आपका फ्रूट के बारे में, ठीक। तो आपका सीड हो गया, ठीक, फ्रूट हो गया। अच्छा एक चीज़ हम आपको और बताएं कि जो सीड होते हैं, क्या चीज़, जो सीड होता है सीड का, तो भाई सीड बनने के बाद ये देखिए, सपोज कीजिए एक प्लांट है, क्या है यहाँ पर ढेर सारे सीड बने, फ्रूट के अंदर सीड, और ये फ्रूट क्या हो गया, फट गया। सीड एक जगह से दूसरा भी दूसरे जगह जा करके इनको गिर के जर्मिनेट भी करना है, तो बहुत सारे सीड अपने आप को अडॉप्ट कर लिए हैं। इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें पाया जाता है ये हेयर्स पाए जाते हैं जो इनको हवा में उड़ने में मदद करते हैं। तो इसमें सीड में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी ज्वाइंट हो सकते हैं इनके इनके जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब ये हवा के माध्यम से जाकर के कहीं पर गिरेगा और यहाँ पर नया प्लांट बना देगा। ऐसा बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, अरे कभी कभी हम लोग नहीं देखते हवा में कुछ उड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, हवा में कुछ उड़ते हुए आ रहा है तो हम लोग उसको फूंक मारते हैं तो वो उड़ता है, वो एक्चुअली होता है कैलोट्रॉपिस मदार। कैलोट्रॉपिस का सीड होता है, किसका सीड होता है, कैलोट्रॉपिस का सीड होता है, ठीक। तो ये था सीड और फ्रूट के बारे में। अब जरा सा एक फ्रूट के बारे में हम और बताएं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की चर्चा करें, क्या चीज़, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में बताएं, तो बाबू एक चीज़ जान लीजिए कि जो आपका फ्रूट बनता है वो बनता कैसे, जरा देखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, क्या चीज़, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फ्रूट अपने आप बन गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी तो आप कह रहे थे कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट जो बन जा रहा है उसको हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो अब ये समझिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते कैसे, बनते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम फ्रूट की बात बताएं आपको, जो ट्रू फ्रूट होते हैं तो उसमें होता क्या है, ये है आपका ओवरी, ये अंदर क्या है, ये ओव्यूल, ठीक। इस पर होता क्या है, जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है, ये देखिए ये इसका क्या था, ये एंथर था, एंथर यहाँ से जब फटेगा तो यहाँ पर क्या, इसके स्टिग्मा पर आके गिरा, जैसे ही आके स्टिग्मा पे आके गिरता है वैसे ही ये ओवरी बोलती है, क्या ओवरी बोलती है कि भाई, क्या चीज़, ओवरी बोलती है कि बारात जो है कहाँ पर आ चुकी है, हमारे चौखट पे आ चुकी है, हमारे दरवाजे आ चुकी है, तैयारियाँ चालू कर दो। यानी कि तैयारियाँ चालू करने का मतलब कि अब आप फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाओ। तो ये बताता कौन है, ये बताता है ओवरी, और ओवरी कैसे बताती है, ओवरी में तुरंत ऑक्सिन हार्मोन का, कौन से हार्मोन का, ऑक्सिन हार्मोन का जो अमाउंट हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर एंथरा की गिरता है तुरंत ऑक्सिन का कंसंट्रेशन इसके अंदर बढ़ जाता है, तो तुरंत इस ओव्यूल को पता चल जाता है कि हमको अब सीड बनने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, और ओवरी को पता चल जाता है कि हमको फ्रूट बनने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या करते हैं, देखिए हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में करते क्या है कि
ये करते हैं, ये देखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में करते क्या है कि यहाँ पर सिंथेटिक ऑक्सिन, ये देखिए सिंथेटिक ऑक्सिन क्या यहाँ से डाल रहे हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन जो हमने लैब में बनाया है, सिंथेटिक ऑक्सिन, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक, IAA IBA, जब हम आपको फाइटो हार्मोन्स हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब बताएंगे। सिंथेटिक ऑक्सिन डाल दिया, अब देखिए ज़बरदस्ती का यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सिन का जब जैसे छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम ज़बरदस्ती बाहर से ऑक्सिन इस पर डाल रहे हैं, इसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि ऑक्सिन कंसंट्रेशन बढ़ने से फ्रूट बन जा रहा था, वो हम ऑक्सिन अब पॉलिन ग्रेन से ना दे करके हम किससे दे रहे हैं, हम बाहर से दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन, जो हमने लैब में बनाया IAA IBA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड बनाया, ये हम स्टिग्मा पर पूरा स्प्रे कर देते हैं और वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है और ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। अब बताइए ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ने पर ओवरी कहती है, ओवरी के दिमाग में तो ये चलता है कि बारात दरवाजे पर आ चुकी है, ठीक है, यानी कि वो ये ओवरी सोचती है कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आया होगा उसकी वजह से ऑक्सिन बढ़ा होगा, लेकिन जबकि ऑक्सिन किसकी वजह से बढ़ा है, सिंथेटिक ऑक्सिन, ये नहीं पता कि बारात नहीं आई है, यहाँ पर हमको क्या दिया जा रहा है, छलावा दिया जा रहा है, ठीक है, ढोंगी बाबा आए हैं, कौन आया है, ढोंगी बाबा इस पे आया है, उसकी वजह से ऑक्सिन बढ़ा, तो ओरी बेचारी सीधी साधी ये तुरंत फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों, बढ़े हुए ऑक्सिन की वजह से, लेकिन ये आपके सीड में थोड़ी कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सीड में नहीं कन्वर्ट होगा, यानी कि ये तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ तो फ्रूट तो बनता है आपके विदाउट, अब फर्टिलाइजेशन हुआ का क्या, नहीं हुआ, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे से बनाया जाता है, और ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओव्यूल सीड में नहीं चेंज होगा, तो ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि ऐसे कौन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं या किस टाइप के फ्रूट हैं जिनमें पार्थिनोकार्पिक कराने पर हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसका हम सीड खाते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्थिनोकार्पी कराने पर जो फ्रूट पैदा होगा तो सीडलेस होगा, और हम जिसका हम सीड खा रहे हैं वो सीडलेस होगा तो हमको फ़ायदा क्या होगा, जैसे पोमेग्रानेट अनार में हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, तो अगर ऐसे प्लांट में अगर अनार में अगर हम पार्थिनोकार्पी करवा दें तो खाली और खाली अनार का क्या बनेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन बनेगा, इसमें सीड बनेगा ही नहीं, और जब सीड नहीं बनेगा तो हमारा फ़ायदा क्या होगा, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट खाली पार्थिनोकार्पी उसमें कराई जाती है जिसका हम लोग फ्रूट खाते हैं, वो भी सब में नहीं कराया जा सकता, अलग अलग तरीके के अलग अलग एडाप्टेशन होते हैं, अलग अलग उनके क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ईजिली सबसे कराया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे पोमेग्रानेट में हम पार्थिनोकार्पी नहीं करा सकते जिनमें हम सीड खाते हैं, ग्राउंडनट में आप नहीं करा सकते जिनका सीड खाते हैं, तो ये सीडलेस हो गए, ऑक्सिन जिब्रेलिन की सहायता से ये प्राप्त किए जाते हैं और पोमेग्रानेट वगैरह में नहीं कराए जा सकते, ठीक, और पार्थिनोकार्पिक बेस्ट एग्जांपल होता है बनाना, क्या चीज़, बनाना हो गया, और क्या चीज़, अंगूर, ग्रेप्स, तो बनाना और ग्रेप्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, तो ये था आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। अब एक छोटी सी हेडिंग बची है एपोमिक्सिस, देख लीजिए एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस में देखिए क्या होता है, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं होते हैं, बस इसमें क्या होता है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो मिमिक किया जाता है, मिमिक करने का मतलब बिल्कुल उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन ओवरी से ना जा करके किसी और से हो जाएगा, जैसे देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये एग सेल था, यहाँ पर ये एंटीपोडल था, ये सिनर्जिड था, अब ऊपर से आया क्या चीज़,
दो मेल गैमीट आया, आपके किससे फ्यूज करना था, एक सेल से फ्यूज करना था, ये जाकर के फ्यूज किससे हो जाएगा, सिनर्जिड से फ्यूज हो जाएगा। सिनर्जिड से फ्यूज होने के बाद क्या ये आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो है इस जो एग के द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एग के अलावा किसी से फर्टिलाइजेशन कर ले रहा है, यानी कि जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको मिमिक कर दे रहा, दबा दे रहा, सप्रेस कर दे रहा है, ठीक है। बल्कि चाहे सिनर्जिड से, चाहे एंटीपोडल से, चाहे इंट्यूबमेंट, चाहे जिससे सेल से फ्यूज करके ये आपके फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी फेनोमेना को बोलते हैं एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस जनरली ग्रेसेस में देखने को मिलता है, यानी कि ग्रैमिनी फैमिली में देखने को मिलता है और एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिलता है। एस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली में सनफ्लावर वाली फैमिली होती है, इसमें देखने को एपोमिक्सिस मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट बचा हुआ आपका हेडिंग पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी में होता क्या है, जो आपका ये एम्ब्रियो बना हुआ है, क्या चीज़, जो आपका एम्ब्रियो बना हुआ है, अगर इसमें गलती से माइटोसिस हो जाए, क्या हो जाए, माइटोसिस हो जाए, तो इसमें देखिए एक सीड बनाए कि एक सीड बनने के बजाय दो सीड बनने लगेगा, फिर इसमें चाकू चल जाए, फिर से माइटोसिस हो जाएगा, तो ये ढेर सारे इसमें सीड बन जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और नोट कर लीजिए, सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी लीवेनहॉक ने खोजा था सिट्रस में, नींबू में, क्या चीज़, सिट्रस में खोजा था पॉली एम्ब्रियोनी। यानी कि लगातार सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन होता चला जाएगा, तो जितने पार्ट में वो टूटेगा उतना ही आपका क्या, एम्ब्रियो बन जाएगा। अरे जैसे आपने ट्विन सुना, ट्विन्स जुड़वा बच्चे, जाइगोट दो पार्ट में टूट गया तो दो बच्चे पैदा हो गए लगातार, ठीक है, तो उसी तरीके से ये पॉली एम्ब्रियोनी होता है, ठीक है। अब जरा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर समरी समझ लेते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर था और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, किसमें कौन कौन कन्वर्ट हो जाएगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए बिफोर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर वाला कवरिंग क्या होता है, ओवरी होता है, क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। देखिए ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी का ऊपर का पोर्शन होता है ओवरी वॉल ये बना देगा फ्रूट वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्प, क्या बोलते हैं इसको, एपिकार्प बोलते हैं, ठीक है। और ओवरी और ओव्यूल के बीच में जो स्थान होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो है एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी, जैसे आपने चना को फोड़ा, ऊपर का सीड, ऊपर का क्या फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड, दोनों के बीच में खाली जगह होता है ना, फट से बोलता है, तो वो एम्प्टी खाली जगह एयर वहाँ पर भर सकता है, या ये आपके कैसा हो सकता है, आपका सॉफ्ट हो सकता है, स्पॉन्जी हो सकता है, जैसे मैंगो में आपने देखा पूरा अंदर जो छिलका हटाने पर जो पूरा भरा होता है वो आपके किस प्लेसेंटा वाले में ही तो भरा था, सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था ओवरी की बात। अगर हम ओव्यूल की बात करें, किसकी बात करें, ओव्यूल की बात करें, तो जो ओव्यूल होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और जो ओव्यूल का कवरिंग होता है, ओव्यूल का जो कवरिंग होता है वही आपका सीड कोट बना देगा, क्या बना देगा, सीड कोट बना देगा, ठीक है। और जो आपका न्यूसेलस होता है इसके अंदर, ओवरी के अंदर जो होता है, जो न्यूसेलस होता है ये न्यूसेलस के ही फॉर्म में पड़ा रहेगा, जो इंट्यूबमेंट होता है वो तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो आपका एंटीपोडल चैलाजा है ये सब आपके सबके सब ख़त्म हो जाएंगे। जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस ये कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूसेलस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इंट्यूबमेंट क्या होते हैं,
ख़त्म हो जाते हैं। एंटीपोडल क्या होती हैं सेल, ख़त्म हो जाती हैं। और आपके चयालाजा वाली सेल ख़त्म हो जाती हैं, सिनर्जिड सेल ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। जो आपका ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और जो आपका एग होता है, क्या एग, वो किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको यहाँ पर नहीं बताया, फ्यूनिकल, क्या फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, ज़रा देखिएगा, ध्यान से समझिए। जो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल होते हैं, फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल का क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझिए, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल के बारे में। ये था हमारा ये ओव्यूल, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर तो सीड में कन्वर्ट होगा, किसमें, पूरा इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये तो सीड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये क्या हो गया, ये सीड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये सीड में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ ये देखिए, ये सीड में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया बाबू, ये सीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये बन गए, इसके कॉटिलेडन बन गए, ठीक। अब देखिए, इसका ये वाला पार्ट, ये किसी के, अच्छा यहाँ पर ये क्या था, ये ओवरी था, क्या था, ये ओवरी है, ठीक है। ये तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर हमने कवरिंग बना दिया फ्रूट का, ये लीजिए, ये हो गया इसका फ्रूट, क्या हो गया, ये इसका फ्रूट हो गया, ये कवरिंग फ्रूट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, इसका ये जो माइक्रोपाइल है, जो कि तुम आपके फ्रूट में सीड में है, क्या ये माइक्रोपाइल खाली जगह होता है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा इसका स्कार छूट जाएगा, ये देखिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ से जो है, ये जो अटैचमेंट है फ्यूनिकल, ये आपसे ये यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगा, ये देखिए ये ऐसे पूरा ये ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान में लाइए, अब इसको सीधा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, देखिए क्या बन गया, ये क्या है, चना है, क्या है, ये चना है। चने में हमने आपको दिखाया, ये चना में देखिए क्या होता है, ए यूं, ये देखिए ये चना है, इसी डायग्राम को पूरा सीधा कर दीजिए, चना है, ठीक है। चने में ये क्या होता है, ये इसका ये फ्रूट है, ठीक। और यहाँ पर एक इसके नेक पर, यानी कि नोज़ पर, ये जो नोज़ की तरह दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखेंगे एक गड्ढा होता है, तो ये गड्ढा ही माइक्रोपाइल होता है, क्या होता है, ये माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। और इसी से जुड़ा होता है ये, ठीक। जैसे आपने मटर को तोड़ा, मटर को ऐसे स्क्वीज़ कीजिए, मटर को छोलिए, छीलिए, तो क्या होता है कि छोटे छोटे डंठल आपको देखने को मिलते हैं ना, जहाँ से अटैच होते हैं वो माइक्रोपाइल होता है, जिससे अटैच होते वही हाइलम होता है, जो कि फिलामेंट बना लेता है। तो ये आपका क्या है, ये हाइलम है। अब देखिए, जब ये माइक्रोपाइल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब ये माइक्रोपाइल जो है आपके फ्लावर यानी कि ओवरी ओव्यूल में होगा, तो ये एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कराएगा। लेकिन जब यही माइक्रोपाइल आपके सीड में होगा, तो एंट्री ऑफ वाटर कराएगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन। यानी कि ये दो दो फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है, दो दो फंक्शन, नोट करके लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, नोट करके। पहला, जब ये माइक्रोपाइल आपके ओव्यूल में होता है, तो ये एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कराता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। लेकिन अगर पूछेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये माइक्रोपाइल क्या कराता है, तो ये माइक्रोपाइल सीड में जो होता है, छोटा सा गड्ढा बन जाता है, अब ये एंट्री ऑफ वाटर कराएगा, पानी को एब्जॉर्ब वहाँ से करवाएगा, चने में पानी को एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। तो यही माइक्रोपाइल होता है जो जर्मिनेशन में मदद करता है सीड के। तो ये पूरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट पूरा तरीके से आपका ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। कोई भी इसमें आपको क्वेरी हो, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको ज़रूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9473799517 पे आप
हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, ठीक, आपकी सफलता के लिए हम चरणबद्ध हैं। तो जल्दी से कमर कस लीजिए, ट्वेल्थ की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, ठीक, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देना नहीं है, तो नीट BHU हो गया, बड़े बड़े और इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना होगा, तो जल्दी से आप लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टाटा।